तो हेलो सलाम नमस्ते कैमचो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इससे पहले आपने देखा था पेंगोंग का रास्ता, और पेंगोंग जाते जाते समय काफ़ी हो गया था तो मैंने वीडियो को वहीं पे ख़त्म कर दिया था। तो इस वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसी जगह पर मैंने वीडियो ख़त्म किया था और इसी जगह से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से चलते हम पेंगोंग लेक के लिए, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर है और लगभग 2 घंटे लगने वाले हैं। तो चलते हैं, सफ़र को जारी रखते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डुरबुक 18 किलोमीटर है और पेंगोंग लेक 57 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये श्योक वैली है, श्योक विलेज है ये। श्योक विलेज के अंदर से ही पेंगोंग का रास्ता जाता है आगे। तो ले यहाँ से 125 किलोमीटर है और डुरबुक 15 किलोमीटर रह गया है। डुरबुक से लगभग 35 किलोमीटर बाद पेंगोंग लेक है। बाकी रास्ता देखो आप, सामने का नज़ारा क्या है देखो। नीचे वहाँ पर इंडियन पोस्ट है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत प्राइवेसी रखना पड़ता है सेना का। नीचे मुझे यहाँ से पोस्ट दिख रही है लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा ढलान वाला रास्ता है, अभी ये नीचे उतरना है हमें। किसी को ऐसा लगता है कि लद्दाख जो है वो हिमालय में है, तो लद्दाख हिमालय में नहीं है। हिमालय का आगे का जो भाग है उसे लद्दाख कहते हैं। लद्दाख जो है वो हिमालय और काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में है। यहाँ पर अगर ब्रेक फेल हो जाए तो राम जी का नाम ही सत्य है फिर। मेरी बाइक रुक ही नहीं रही है, इतना एकदम स्लोप है नीचे की तरफ। धीरे 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 भाई धीरे, कंट्रोल कैसे करूंगा मैं। धीरे 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 धीरे, टर्न देखो एकदम कैसे है। थोड़ा सा भी इधर जाए तो सीधा नीचे। ये देखो आर्मी का ट्रक देखो, आप सोचो क्या हालत होती है। देखो इसकी, ये देखो तो बहुत रिस्की है ये रास्ता जो है वो, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है ये। ये है नज़ारे देखो, क्या नज़ारा है। नीचे श्योक नदी है। वेलकम टू डुरबुक CRN लिखा हुआ है। बाकी देखो नज़ारा आप, वाह। अभी हम डुरबुक पहुंच गए हैं और यहां से आगे पेंगोंग के लिए बढ़ रहे हैं। ये डुरबुक है, सारे बाइकर्स रुके हुए हैं यहां पर। और पीछे मिलिट्री का बहुत बड़ा बेस था, इतना बड़ा बेस मैंने आज तक नहीं देखा। चाइना इंडिया बॉर्डर का बड़ा बेस था ये सेना का, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता था इसलिए मैंने नहीं दिखाया आपको। थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए आर्मी के लिए।
तो आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देता हूँ मैं। पिछले जो 10-15 किलोमीटर से मैं गाड़ी चला रहा था तो वहाँ पर पूरा इंडियन आर्मी के बेस थे, और क्या तैयारी है इंडियन आर्मी की, जिसने देखा उसको पता है। हम टीवी में देखते हैं चाइना की ऐसी तैयारी, चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया, लेकिन जब आप इंडियन आर्मी की तैयारी देखोगे तो सब भूल जाओगे। हमारे देश की सेना की भी फुल तैयारी है, इंडियन आर्मी ने जो तैयारी करी है काबिले तारीफ है। लगभग पूरे 15 किलोमीटर तक सेना के बेस है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, आप समझ जाओ अभी। तो हम लोग बहुत आगे हैं इसमें, पीछे नहीं हम। अभी जस्ट एक वाटर क्रॉसिंग आया था, फिर से मेरे पैर पूरे भीग गए, थोड़े से सूखे थे फिर से भीग गए। तो आज ठंडी मार डालेगी, जल्दी पहुँच कर शूज और सॉक्स निकालने पड़ेंगे और पैर को साफ करना पड़ेगा, नहीं तो बुखार आ जाएगा। लैंडस्केप बहुत सुंदर है यहाँ का, तो पेंगोंग जब भी जाओगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा रास्तों में। ऊपर बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, वाह क्या नज़ारा है। फिर से एक वाटर क्रॉसिंग आ गया है, चलते हैं श्री राम जी का नाम लेके। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलो चलो चलो, निकल गए निकल गए। साइलेंसर में पानी भर जाता है पूरा, तो कभी कभी गाड़ी बंद पड़ जाती है। बहुत सुंदर नज़ारा है, और पेंगोंग यहाँ से अभी लगभग 18 किलोमीटर रह गया है, तो हमें आधा घंटा लगेगा पहुँचने में, और टाइम हो गया लगभग 6:30। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं तो स्टे लूँगा वहाँ जाकर और फिर आपको सुबह सुबह मैं बताऊँगा। बहुत अच्छा लैंडस्केप है, बहुत बड़ा खुला खुला एरिया है, बढ़िया लगता है, आँखों को सुकून मिलता है इतना खुलापन देख के। पहाड़ों की शैली देखो आप, लगातार एक के बाद एक पहाड़ है, और उसके ऊपर कहीं पर बर्फ है, कहीं पर लाल कलर का पहाड़ है, तो एकदम नज़ारा ही अलग होता है। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, थोड़ा एडवेंचर हुआ आज, लेकिन कोई बात नहीं, एडवेंचर के साथ नज़ारों का मज़ा कुछ अलग होता है। छोटा सा क्रॉसिंग आया फिर से, और ये तो छोटा है, धीरे धीरे निकालेंगे अपन। वही शहर, शबाश शबाश शबाश। इतने क्रॉसिंग आते हैं जब आप पेंगोंग जाते, क्या हुआ भाई क्या हुआ, अरे 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 क्या हो गया भाई, गाड़ी बंद हो गई, क्या हो गया तुझे, हो गया हो गया, फिर से बंद हो गई। तो गाड़ी बंद हो गई थी और अभी भी गाड़ी झटके मार रही है, पता नहीं आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, गाड़ी झटके दे रही है। और ये देखो आप क्या नज़ारा, देखो जैसे पैर सूखते हैं थोड़ी देर में फिर से कोई ना कोई वाटर क्रॉसिंग आ जाता है, और फिर से सूज और पैंट बिगा हो जाता है, तो ये वाला तकलीफ वाला मामला है थोड़ा। और अभी यहाँ से 15 किलोमीटर है पेंगोंग लेक, बाइक झटके दे रही है, बंद हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। वहां तक पहुंचा तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही बाकी है, थोड़ी मेहरबानी करो, आपको आज बहुत कष्ट दिया है बाइक जी। वैसे इस बाइक ने बहुत अच्छा साथ दिया है आज मेरा, बाकी हिमालयन जैसी गाड़ियां गिर गई थी अंदर, ये मेरी जो बाइक है एवेंजर बहुत प्यारी बाइक निकली है, इसने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। अभी एंड पॉइंट आते आते थोड़े झटके दे रही है, वो भी मेरे ख्याल से अभी लास्ट टाइम जो रिवर क्रॉसिंग आया था तो उसका पानी जो है वो इसके साइलेंसर में घुस गया है इस वजह से। लैंडस्केप कितना बढ़िया है देखो आप, पहाड़ों के बीच में, तो पेंगोंग का जो रास्ता है वो बहुत प्यारा है, मज़ा आ जाता है। ये बात पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि पेंगोंग का रास्ता बढ़िया है बढ़िया है, लेकिन क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं होता, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रास्ते आते हैं तो मुँह से निकल ही जाता है कि रास्ता बहुत अच्छा है। यहाँ लिखा हुआ है लुकांग,
लुकांग मतलब वही पेंगोंग ही है, तो 12 किलोमीटर बाकी रह गया है अभी यहाँ से पेंगोंग। अरे बाप रे बाप रे, गीला हो गया, वापस भिगा दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, और आगे मुझे लग रहा है फिर से रिवर क्रॉसिंग है। बड़ा बड़ा नहीं आए तो अच्छा है यार, क्योंकि अभी हद हो गई है, थक गया हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, चल 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 चल। ओह निकल गए, आज तो बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। बहुत बड़ा नहीं आ जा रहा है, ऐसा नहीं आ जा रहा है कि पेंगोंग से कुछ ही किलोमीटर पहले हमको रुकना पड़े, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। और इधर देखो ये तेज बहाव है, तो फिर से पैर ऊंचे करने पड़ेंगे। और ओ हो भीग गया भाई, साइलेंसर में भी पानी चला गया वापस। अभी बाइक बंद नहीं हो तो अच्छा है, तो ऐसा लगता है कैमरा बंद ही नहीं करूं, कंटिन्यू आपको दिखाता ही रहूं। इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, कैमरा बंद करने का मूड ही नहीं होता है। लेकिन बात वही है, अगर मैं कैमरा बंद नहीं करूंगा तो आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी 3 घंटे की, जो कोई देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं हालांकि पूरा इंजॉय कर रहा हूँ रास्तों को, और जितना हो सके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे अच्छे रास्ते। ये देखो आप, ये नज़ारा दिखता है, देखो आप। तो फाइनली पेंगोंग लेक पहुंच गया हूं, लेकिन रूम ढूंढते ढूंढते काफ़ी लेट हो गया, अभी लगभग 9:15 बज गए हैं। तो फिलहाल ये रूम मिला है मुझे, और इसका चार्ज जो है वो 1000 रुपीज़ पर पर्सन है, मतलब दो बंदे का 2000, और रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट साथ में है। तो अभी मैं बिल्कुल थक गया हूँ, आगे बात नहीं कर पाऊँगा आपसे, मैं सुबह मिलता हूँ। और एक सेकेंड में सुबह होगी, देखो अभी सुबह होगी। तो हो गई सुबह, देखो आप, गुड मॉर्निंग, सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं, और ये नज़ारा है मन गाँव का। और ये होमस्टे है जिसका रूम मैंने आपको रात को दिखाया था, मैंने यहाँ पर स्टे ले लिया था रात को, और चार्ज मैंने आपको बता दिया था 2000 रुपये दो बंदों का था, जिसमें रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट शामिल था। मैं इस तरफ से आया था, इस रोड से, ये जो रोड देख रहे हो, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे पेंगोंग लेक का व्यू पॉइंट है। तो सबसे पहले आता है लुकुंग, जो कि मेन व्यू पॉइंट है पेंगोंग लेक का, गाँव है, गाँव का नाम है लुकुंग। और उसके बाद में आता है स्पांगमिक, और उसके बाद में आता है ये मान विलेज जहाँ पर मैं ठहरा हूँ, और इसके बाद में आगे आएगा एक मिराक। तो मिराक जो है वो लास्ट गांव है यहाँ का, उसके बाद में आगे पूरा आर्मी के अंडर में है, आगे सिविलियन अलाउ नहीं है और बॉर्डर आ जाता है। तो मैंने मान गांव में स्टे लिया, क्योंकि आगे स्टे नहीं मिला था और मेरा प्री बुकिंग भी नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पर स्टे लेना पड़ा। और ये जगह काफ़ी अच्छी है, ये थोड़ी लेस क्राउडेड है। जो पहला व्यू पॉइंट है लुकुंग, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, उसके बाद में स्पांगमिक उधर भी थोड़ा क्राउड होता है, यहाँ पर थोड़ा क्राउड कम है और यहाँ पर होम स्टे मिल जाते हैं। तो ये मैंने होम स्टे आपको बताया, यहाँ पर मैंने स्टे लिया था। वैसे यहाँ पर प्राइस जो है वो होम स्टे में लगभग 2000 से 2500 के आसपास रहता है, बाकी नीचे जो उस तरफ में टेंट वगैरह है वहाँ पर प्राइस रहता है 3000 से लगा के 5000-6000 तक। तो आपको ये नज़ारा दिख रहा होगा, ये पेंगोंग लेक है, और ये लेक यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है, यहाँ से लगभग अभी और 20-25 किलोमीटर आगे तक ये लेक जाती है, और फिर इंडिया चाइना का बॉर्डर आ जाता है। और ये पेंगोंग लेक 40% इंडिया में है, 60% चाइना में है। बाकी यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है कोई भी, ना एयरटेल चलता है, ना जियो चलता है, ना BSNL चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। और एक रूल है यहाँ का, रात को 11 बजे यहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती है, और अगले दिन दोपहर या शाम को सारी लाइटें आती है। तो शाम के वक्त यहाँ पर लाइटें रहती है और 11 बजे बंद हो जाती है। तो ये मान विलेज है जो मैंने आपको बताया, अभी यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे, मेन व्यू पॉइंट जो है पेंगोंग लेक का वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ी देर में और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। झूले
तो ब्रेकफास्ट कर लिया है और लगभग 7 बजने वाले हैं, तो अभी यहाँ से निकलते हैं आगे और पेंगोंग लेक का जो मेन व्यू पॉइंट है वहाँ से मैं आपको पेंगोंग लेक दिखाता हूँ। मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पे भी नज़ारा अच्छा है लेकिन आगे का जो मेन पॉइंट है वो सबसे अच्छा है, तो आगे चलते हैं। और एक थोड़ा सा करेक्शन है, मैंने आपको बताया था यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मेरा गाँव है जो लास्ट है, उससे आगे एक और गाँव है जिसका नाम है चुसूल। तो आपने सुना होगा जब इंडिया चाइना में डिस्प्यूट हुआ था तो उसके बाद में जो बैठक होती है वो चुसूल में होती है, तो ये एक थोड़ा करेक्शन था। तो टोटल यहाँ पर पेंगोंग में स्टार्टिंग से एंड तक 5 गांव आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और पेंगोंग व्यू पॉइंट पर चलते हैं। वैसे ये पूरा रास्ता पेंगोंग लेक के किनारे किनारे चलता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। कल मैं लेट हो गया था तो आपको ये रास्ता दिखा नहीं पाया, तो यहाँ से भी आपको पूरा पेंगोंग लेक दिखेगा। तो आप रास्ते को एंजॉय कीजिए, पेंगोंग लेक को एंजॉय कीजिए। जो सामने आपको जो दिख रहा है वो पेंगोंग लेक है और यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैं आपको पेंगोंग लेक का मेन व्यू दिखाऊंगा नीचे जाके। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये नज़ारा है देखो आप पेंगोंग लेक का, आपको मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ रोड से, काफी अच्छा लगेगा आपको देखने में। मैं लुकांग पहुंच गया हूं जहां पर पेंगोंग का व्यू पॉइंट है। यहां पर सारे टेंट और रेस्टोरेंट वगैरह है, देखो आप स्टे वगैरह है, और ये है व्यू पॉइंट। यहां आपको पूरी 3 इडियट मूवी की याद आएगी। तो आगे चलते हैं फिर दिखाता हूं मैं आपको, ऐसा लगता है जैसे 3 इडियट का ही सेट लगा हुआ है, वो बैठने वाली सिटिंग 3 इडियट वाली, और उसके अलावा सारे स्कूटर पीले कलर के जो करीना कपूर उसमें चलाती है 3 इडियट में। तो ये देखो इस पिक्चर ने चमकाया इसको, 3 इडियट मूवी आने के बाद से पेंगोंग लेक फेमस हो गया है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं अभी। और मैंने आपको बताया था मान गांव में जहाँ पर मैं रुका था वहाँ पर लोग नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी लोग दिखेंगे। ये वही स्कूटर है जो 3 इडियट मूवी में बताया गया था, और ये है पेंगोंग लेक, नीचे का नज़ारा देखो आप। अभी नीचे चलते हैं वहाँ पर, मैं पास से आपको दिखाऊँगा, लेकिन पहले यहाँ से देखो आप, और कितने सारे स्कूटर लाइन से खड़े देखो आप, ये सारे फोटोग्राफी के लिए है। कितना लेते हो फोटो खींचने का? 300 सर। 300? हाँ जी। और स्कूटर का 50 रुपया? हाँ जी सर। और 3 की जगह अगर मेरे को अकेला बैठना है तो बीच में कोई अकेला आदमी हो तो? अकेला आदमी 30 रुपया? हाँ जी। तो अगर आपको यहाँ पर फोटो खिंचवाना है तो स्कूटर पर 50 रुपये का चार्ज लगेगा, और ये जो सीटिंग है इसके ऊपर 3 जने बैठेंगे तो 100 रुपये का चार्ज है। तो देखो ये व्यू पॉइंट का नज़ारा है, सारे लाइन से स्कूटर रखे हुए हैं लोगों की फ़ोटोग्राफी के लिए, लोग फोटो सेशन करते हैं यहाँ पर। तो ये फोटोग्राफी का चार्ज है देखो आप, लिखा हुआ नीचे। और ये पेंगोंग लेक का नज़ारा है, पूरी 3 इडियट की याद दिलाते हैं ये सब। याक भी है यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए स्कूटर के अलावा। तो यहाँ से नीचे चलते हैं लेक के पास में, वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो नीचे लेक की तरफ आ गया हूँ मैं,
और लेक का पानी इतना साफ है, एकदम बहुत साफ है। देखो तो ये पानी देखो कितना साफ है। आप, मैं लेक की तरफ आ गया हूँ, नीचे की तरफ, और ये है पेंगोंग लेक, जो कि बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ी है इस लेक के, पहाड़ियों के बीच में ये लेक है। बहुत खूबसूरत लेक है और जितनी तारीफ सुनी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरी आँखों से, जितना मुझे अच्छा लग रहा है देखने में मेरी आँखों से, मैं कैमरे से आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आँखों का कोई कंपेरिजन नहीं है। बहुत सुंदर, मज़ा आ गया। तो ये थी पेंगोंग लेक की जर्नी और ये था पेंगोंग लेक जो मैंने आपको दिखाया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो